झाबुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। प्रचार अब दशहरे और नवरात्रि के बाद काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ रोड शो किया, कल्याणपुरा में एक सभा की और मुख्यमंत्री के मंच पर ही क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर को उनके दो मंत्रियों ने निशाना बनाया। धोखेबाज, रणछोड़ और रावण की भी संज्ञा दी गई। क्या प्रतिक्रिया है सांसद जी की, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, धोखेबाज भी कहा गया, रावण और रणछोड़ की उपाधि मिली है, क्या रिएक्शन है आपका? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किसानों को धोखा देकर बनाई गई है। धोखा ऋण माफ़ी के नाम पे दिया गया है। ये कहा गया था कि जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन में हम कर्ज़ा माफ़ कर देंगे, पर आप झाबुआ के किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी किसान का पूरा कर्ज़ा माफ़ नहीं हुआ। 2 लाख की सीमा में तो क्या किसी का 311 रुपये, किसी के 2000 रुपये, इस तरह से कर्ज़ा माफ़ किया, सिर्फ दिखावा है। तो सचमुच में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया है जनता को, और वही धोखा उनके जहन में बसा हुआ है कि हम धोखा देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। पर अब झाबुआ की जनता पहचान चुकी है, धोखेबाज कांग्रेस की सरकार और उसके मंत्री हैं जिन्होंने हमारी झाबुआ ज़िले की भोली भाली जनता को देकर वोट ले लिए। सर, गोपाल भार्गव पे तो FIR हो गई थी, उन्होंने पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ा था, आप कोई एक्शन लेना चाहेंगे? मैं इसके खिलाफ निर्वाचन आयोग जा रहा हूँ और मैं प्रमाण सहित इसकी शिकायत करूँगा। उन्होंने रावण का भी शब्द का उपयोग किया है, रणछोड़ का भी किया है। तो मैं आपको इतना और बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और उसके मंत्री राम को रावण बताते आए हैं। राम तो उनका है नहीं, तो इसलिए वो रावण रावण उनके दिमाग में फंसा हुआ है, तो वो रावण शब्द का उपयोग करते हैं। ये बात सही है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध जीता था तो वो रणछोड़ बन के युद्ध जीता था, तो अब हम ये भी युद्ध जीतेंगे और कांतिलाल भूरिया को मोर डुंडिया हमेशा हमेशा के लिए भेज देंगे। तो आपने डामोर साहब को सुना जिनका दावा है कि अब वो कांतिलाल भूरिया को मोर डुंडिया हमेशा के लिए भेजेंगे, निर्वाचन आयोग को भी शिकायत करने का वो बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये शिकायत होगी तो फिर आरोप प्रत्यारोप और बढ़ेंगे। झाबुआ विधानसभा चुनाव उपचुनाव की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।